धर्म दर्शन सिद्धांत और अध्यात्म विद्या के उपदेष्टा के रूप में श्रवण संस्कृति में अह तीर्थंकरों का प्रमुख स्थान है। इन प्रवर्तकों की परंपरा में आचार्यों की संतति प्रभावित है, सुषुप्त चेतना को समय समय पर जागृत किया है। अहिंसा, परिग्रह, इंद्रिय निग्रह, त्याग और समाधि को साधना के काल में तीर्थंकरों ने जिस तरह से आचरित किया है, उसे केवल ज्ञान पाने के बाद जन कल्याणार्थ उपदिष्ट भी किया है। इसलिए तीर्थंकर धर्म की उपदेष्टा और प्रतिष्ठा कहे गए हैं। शुरुआत से ही संस्कृति प्रभाव के दो प्रमुख पक्ष रहे हैं, एक विचार और दूसरा आचार। जहां विचारों में तत्व का दर्शन होता है, तो वहीं आचरण से तीर्थ का दोनों के मेल से ही संस्कृति की धारा प्रभावित है। जैन संस्कृति में प्रतिपाद, प्रवृत्ति और निवृत्ति में अद्भुत सापेक्षता है। यहाँ पर प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति का उद्देश्य अवश्य निहित रहा है। इतिहास, तीर्थ क्षेत्र, पुरावैभव, मूर्तियां, मंदिर, पांडुलिपियां, शिल्पकला, शिलालेख आदि हमारी संस्कृति के ऐसे अवयव हैं जिनकी सुरक्षा पर ही हमारा सांस्कृतिक ढांचा टिका हुआ है। आगम और आचार्य गुरुओं से ही हमारी परंपरा का अभी तक अस्तित्व रहा है। यदि यह ना होती तो परंपरा शब्द भले ही रह जाता, पर किसी तरह की परंपरा नहीं रहती। मैं जैन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई और मैं मुस्लिम हूँ, इस प्रकार की मान्यता हमारे समाज रूपी सागर को नष्ट कर देगी। इस प्रकार का बिखरा अस्तित्व हमें एक बूंद का रूप देगा, जिसके सूखने के लिए सूर्य की एक किरण ही पर्याप्त है। हमारे बीच आपस में मतभेद भले ही हो जाए, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। राजसिक और तामसिक वृत्ति का त्याग कर सात्विक जीवनचर्या अपनाने की शिक्षा हमें भारतीय संस्कृति देती है। भारतीय आचार संहिता कहती है कि जब तक संकल्प ना लिया जाए, तब तक आचरण का कोई महत्व नहीं। प्रण प्रतिज्ञा में बंधना और उसे प्राण रहते तक निभाना हमारी पुरानी परंपरा है। वचन कदाचित परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु प्रण संकल्प अपरिवर्तनीय ही होते हैं। जो व्यक्ति कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होता है, प्रतिष्ठा उसके पीछे ही भागती है। वह संतान किस काम की जो माँ के द्वारा बताए हुए मार्ग पर विश्वास ना रखती हो, ऐसी संतान का विकास अभी और आगे जाकर कभी संभव नहीं है। मानव जीवन बहुत ही मूल्यवान है, यह बहुत ही प्रतीक्षा के बाद पुण्य उदय से मिला है। इसे व्यर्थ ही इधर उधर की बातों में मत गवाओ। इससे भूति की नहीं मुक्ति की भूमिका निर्वाण कर निर्वाण को पाओ। उत्तर और दक्षिण भारत का समूचा इतिहास ही इस बात का साक्षी है कि जैनियों ने समय समय पर भारतीय संस्कृति की सुरक्षा में बड़ा योगदान दिया है।